शाकापोशी और कई किलोमीटर पर फैला हिनार्ची ग्लेशियर था। वो अलग बात है कि इस ग्लेशियर पर मौजूद नज़ारे हम भूल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार हमारी मंजिल गर्गो ग्लेशियर था, क्योंकि यही वो रास्ता था जहाँ से आप चंद घंटों की ट्रैकिंग के बाद नाकाबले फरामोश हरामोश वादी तक जा सकते हैं। याद रहे कि गसोनर वादी तक गाड़ी अब जा सकती है, लेकिन हम नज़ारे देखने की गर्ज से पैदल चलते चलते गसोनर वादी की सरसब्ज व शादाबी में दाखिल हो गए। कुछ ही देर बाद हम गर्गो ग्लेशियर के रुख पर मौजूद थे, जहां पर इर्द गिर्द के ग्लेशियर से निकलने वाला पानी हमें खुशामदीद कर रहा था। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो इर्द गिर्द की खूबसूरती के साथ आपको जगह जगह ग्लेशियर्स नजर आते हैं, जिनकी तादाद 18 के लगभग बताई जाती है। इनमें जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें गर्गो, यूने, हिनार्ची, दुबई हैं। थोड़ी सी मुसाफत के बाद राकापोशी पहाड़ पीछे रह जाता है और एक जानिब ईरान और सामने लैला पीक घूंघट उठाकर खड़ी हो जाती है। इस इलाके में मौसम ज्यादातर मरतूब रहता है। इर्द गिर्द ग्लेशियर्स के बायस धूप की चिलचिलाहट आपके गोरे रंग को काला भी कर सकती है। अलबत्ता रास्ते में आपको कुछ ऐसे मनाजर मिलेंगे जो देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर, शेमन यहाँ का एक लोकल त्यौहार है, मेरे ख्याल में अगस्त में मनाया जाता है हर साल। इसका ये है कि एक बंदा होता है, वो परियों से बात करता है और परियों की बोली आपको सुनाएगा। मुझे परी वहाँ लेके गई है, बिलचार दुबनी लेके गई है, रकापोशी लेके गई है, अच्छा नंगा पर्वत लेके गई है, अच्छा इसी तरह से वो बातें करती हैं परियां उससे। तो फिर वो ट्रांसलेट करके हमें बताता है, मुझे वहाँ ले गई, वहाँ ले गई, अपनी शिना जबान में। ये बगरोट का एक फेस्टिवल है, हर साल अगस्त में मनाया जाता है। अच्छा, ये किसी बंदे पर भी परी आ जाती है, उससे भी बात करता है या वैसे ही है? नहीं नहीं, एक मखसूस बंदे पर आती है। ठीक है, हर बंदे पर नहीं आती? हर बंदे पर नहीं आती। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वाकई वो परी आई है या खुद ही वो कह रहे जी कि परी आ गई? सर, इसका तकरीबन 90% दुरुस्त माना जाता है। ठीक है, 10% वो ढोंग मचा रहा है, लेकिन 90% जो कह रहा है वो आपको एक बटन लेगा, आपका एक बटन लेके वो आप उसको दे देंगे तो उसको रख के फिर आपसे कहेगा कि भाई आपको ये हुआ है, आपको किसी ने जादू किया है या कुछ किया है, वो सब बताएगा। ठीक है, आपके घर में कब खुशी आएगी, ये सब कुछ बताता है वो। जंगल से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप यूने ग्लेशियर पर जा पहुंचते हैं, साथ ही साथ आपको लोगों की आमदरफ्त भी मिलती है। यहाँ पर बताया जाता है कि सामने की पहाड़ियों पर मारकोर की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। वल्ला आलम, यूने ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद आपको ग्लेशियर से हटना पड़ता है और गर्गो के हसीन नज़ारे शुरू हो जाते हैं और आप तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद गर्गो ग्लेशियर के सामने मौजूद होते हैं, जहां से आप 6000 फुट से जायद बड़ी 7 चोटियों को एक नज़र में देख रहे होते हैं। इन हसीन नज़ारों के पीछे ऊपर नगर की वादियां हैं, जबकि दूसरी जानेब चोटी के पीछे सिर्फ 3 घंटे की मुसाफत पर हरामोश की वादी खलतारो है और कुतवाल झील तक पहुंचते हुए आपको 5 से 6 घंटे तक लग सकते हैं। यहां पर लोग सैर करने क्यों आए? आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये गर्गो ग्लेशियर है और इसके साथ चारों अतराफ में एक तरफ राकापोशी है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ लैला पीक है। और ये सारी इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बड़े ग्लेशियर हैं और ग्लेशियर के साथ साथ आपने देखा है यहाँ पे एक खूबसूरत वादी है और हरियाली है, बड़े बड़े दरख्त हैं। ये आप किसी भी और जगह पे चले जाएंगे तो ये आपको कुदरत के इस तरह के नज़ारे बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर पहुँचते हुए आपको कितना वक्त लगा और जो लोग आना चाहें यहाँ पर उनके लिए ज़रूरी तदबीर क्या होंगी जो वो अख्तियार करके यहाँ पे आएँ? पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको ये बताऊँगा कि आप
फैमिली को यहाँ पे लेके ना आए। तकरीबन नीचे से आपके 6 घंटे 6.5 घंटे यहाँ पे लगेंगे और मुश्किल रास्ता है। रास्ते में यहाँ पे खाने के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है, तो आप वहाँ से खाने का सामान लेके आएं और सबसे ज़्यादा आप पानी और उसके अलावा खजूरें और मीठी चीज़ें लेके आएं, ताकि आप जितना हाइट पे ट्रैवल करते हैं आपका बीपी लो हो सकता है, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त। हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।